अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुर बदलते हैं, ताल बदल जाती है, मगर सुर ताल के साथ चाल बदले उससे पहले हिंदुस्तान को हर खतरे से आगाह रहना पड़ेगा। कश्मीर को लेकर तालिबान का चाल, चरित्र, चेहरा तीनों बदलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में हम पूछेंगे कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से हिंदुस्तान पर डबल खतरा मंडराने लगा है, या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार दुश्मन एक साथ भारत को आंख दिखाने की जरूरत कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे भारत के ये चार दुश्मन कौन है। तालिबान सरकार के आते ही आखिर इन दुश्मनों की हिमाकत इतनी कैसे बढ़ गई, जो तालिबान अभी चंद रोज पहले कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के लिए आंतरिक मुद्दा बता रहा था। वो कह रहा था कि कश्मीर के मुसलमानों के हक की आवाज तो अब उठानी होगी। भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता से खतरा बढ़ा। कश्मीर को लेकर लगातार स्टैंड बदल रहा है तालिबान। अलकायदा, पाकिस्तान, तालिबान, चीन की गठजोड़, माइनॉरिटी के बहाने तालिबान के निशाने पर कश्मीर। और इसमें आपको वो गठजोड़ दिखाई दे रहा है। काबुल फतेह के 11वें दिन मुल्ला बरादर विदेश मंत्री के साथ चीन के नजर आए, और इधर आप देख रहे हैं शेख रशीद ने, जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, खुल्लम खुल्ला कबूला है कि हाँ, हमने तालिबान को शरण दी, उनको, उन लोगों को शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी, हमने उनको पनाह दी। और तालिबान जो शुरुआत में कह रहा था कि कश्मीर आंतरिक मसला है, वो अब ये कहने लगा है कि दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं हम आवाज उठाएंगे। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिनजियांग छोड़कर, उइगर मुसलमान छोड़कर, गजब का पिक एंड चूज पॉलिसी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, DGMO रह चुके हैं। आपको बताएंगे कश्मीर में चैलेंजेस किस तरह से बढ़ गए हैं और क्या किया जाना चाहिए। कर्नल RSN सिंह। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खुफिया मामलों के भी जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। आपको बताएंगे कि भारत की खुफिया एजेंसियां कितनी सतर्क हैं। सुरेंद्र कुमार साहब, पूर्व राजदूत, डिप्लोमेटिक टाइज के हिसाब से हमारी बढ़त कहां और कहां हम चूक रहे हैं। तालिबान के साथ बातचीत का फैसला सही समय में, सही कदम, या पहले उठाया जाना चाहिए था या की ही नहीं जानी चाहिए थी, बताएंगे आपको। स्वर्ण सिंह आपके साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और आपको बताएंगे वर्ल्ड डायनेमिक्स किधर जा रहे हैं। और साथ में अमजद अयूब मिर्जा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान के वजह से एग्जाइल में रह रहे हैं, उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन हर वक्त आपको बताते रहते हैं कि POK में क्या चल रहा है और कश्मीर को लेकर मंसूबे किधर जा रहे हैं पाकिस्तान के। हम अपने मेहमानों का रुख करें और उनसे सवाल पूछें। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये अड़ी का अंक आप क्यों देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि TV9 भारतवर्ष के साथ पहले तालिबान ने जब बातचीत की तो उसने स्पष्ट कहा था कि कश्मीर का मुद्दा हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो भारत का आंतरिक मसला है। उसमें ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिला। दूसरी बार में ये कहा गया कि जहां भी माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर उन पर कोई भी जुल्म सितम होता है तो आवाज उठा सकते हैं और वो हमारा हक है। और अब कहा जा रहा है कि इस्लाम के मानने वाले जहां पर भी हैं उनके लिए हम हक की आवाज बुलंद करेंगे। और आपको यह भी मालूम है कि अलकायदा और तालिबान आपस में मिले हुए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब तो नॉर्दर्न अलायंस भी इस बात पर ठप्पा लगा रहा है कि इधर रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ जो लोग लड़ रहे हैं उनमें अलकायदा के लोग भी हैं। और अगर ऐसा है तो अलकायदा ने यह कहा है कि उन तमाम जगहों पर जो अभी गुलाम है उनकी निगाहों में, उनको आजाद कराना है, और उसमें वो कश्मीर का नाम लेते हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को ओपन करूं, आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जरा देखिए इंफॉर्मेशन, बहुत बहुत अलार्मिंग और बहुत अलर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन। भारत के दुश्मन, भारत को अपने दुश्मनों से आगाह रहना होगा। भारत के दुश्मन चार, ये है भारत के दुश्मन, चीन, तालिबान, अलकायदा, पाकिस्तान। ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन अभी किसका कहां क्या रोल है वो जरा समझ लेना बहुत जरूरी है। नटचल में समझाता हूं, बाकी एलेबोरेशन के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। चीन, अब भी भारत की सरहद पर जो चीन के साथ लगती है तनाव है, अपना कहा हुआ चीन नहीं निभा रहा है,
और जो निभाया भी है उसको भी पिंच नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट के साथ हिंदुस्तान ने लिया है। क्यों? क्योंकि पहले देखो और तब भरोसा करो। अब हिंदुस्तान इस नीति पर चल रहा है। अलकायदा, अलकायदा पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। अलकायदा ने क्या किया था वो दुनिया ने देखा, और अलकायदा अभी तालिबान के आने के बाद एक बार फिर से उसमें कैसे जान आई है और वो क्या कहने लगा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसने ये कहा है कि इस्लाम के अभी तालिबान को हमने आजाद करा लिया, अफगानिस्तान को हमने आजाद करा लिया, तालिबान अब वहां हुकूमत करने लगा, लेकिन अभी दुनिया की कई जगहें ऐसी हैं जो अभी गुलाम हैं, कश्मीर को फोकस में रखते हुए उन सभी जगहों को हम आजाद कराएंगे। पाकिस्तान के मंसूबे कभी छिपे हुए नहीं, पाकिस्तान मुस्तकिल पीठ में छुरा घोपने वालों में से रहा है, उस बारे में ज्यादा बताए जाने की जरूरत नहीं। और किस तरीके से इनका गठजोड़ आपस में मिलकर, तालिबान मैंने आपको बताया पहले जो कह रहा था, धीरे 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 कश्मीर को लेकर इंच दर इंच उसके बयान बदलते जा रहे हैं, तस्वीर बदलती जा रही है, खास तौर से तब जब भारत ने अब बातचीत स्टैनिक जई के कहने पर की। उसके बाद क्या यह बदलाव भारत के लिए एक चुनौती नहीं है? कैसे तालिबान के सुर बदले हैं वो जरा देख लीजिए। किस ग्रेजुअल शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूं, ये बाइट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, कब क्या कहा गया उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिए। हम भी कमिटेड है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए, दूसरे मालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल ना हो, ये हमारी पॉलिसी है। जनरल पॉलिसी हमारी ये है, जिधर भी हो, कश्मीर भी हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं, हमें भी हक है एज अ मुस्लिम, अगर वो कश्मीर में हो, इंडिया में हो, दूसरे मुल्क में हो, मुसलमान पर ऐसा हो रहा, हम उसकी आवाज उठाए कि। सुन लिया आपने किस तरीके से तब्दीली आई है। मैंने ही सुहेल शाहीन के साथ बातचीत की टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से, ये बातचीत जो आपने देखी उसमें स्पष्ट एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जो कहा जा रहा था तब वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, काबुल फतह तो किया गया था लेकिन अमेरिका क्या करेगा यह मालूम नहीं था। वल्नरेबिलिटी तालिबान की पहले के मुकाबले कम हुई जब अमेरिका वहां से चला गया, और अब हुकूमत बनाने वाले हैं, वल्नरेबिलिटी और ज्यादा कम हुई, और उधर पाकिस्तान और चीन ने अपना रिमोट और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लिहाजा ये तब्दीलियां सबके सामने है। विनोद भाटिया साहब, ये तब्दीली दुनिया देख रही है, आप जैसे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं? दिनेश जी, जरूरी बात है, जब तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल में कब्जा कर लिया तो उसके बाद ये जिहाद और इसकी कॉल जो कश्मीर की आनी आनी थी, इसमें मुझे कोई शक नहीं था कभी भी, और तालिबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसा किसी भी नहीं किया जा सकता, ना चाइना पे ना पाकिस्तान पे, अपने पे करना चाहिए, और हमको देखना पड़ेगा, हमें अपने पे भरोसा है और भरोसा रहेगा। मैं नहीं समझता कि इस समय पे जो है अगर तालिबान कुछ करना चाहे इतना आसान होगा तालिबान के लिए, पहले उनको जो है अपनी हालात जरूरी ठीक करनी पड़ेगी, फिर ये फैलेगा पाकिस्तान पे और हिंदुस्तान अपने भारत पे जब आएगा तो हमारे पास अभी बहुत इफेक्टिव काउंटर इंटीग्रेशन ग्रिड है कश्मीर में, और दूसरी बात हमारा काउंटर टेररिज्म ग्रिड बहुत अच्छा है, और तीसरी जो मेन चीज है जो हमारे कश्मीर के लोग हैं जो साइलेंट मेजोरिटी है, इन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद जो उन्होंने एक पीस रिलेटिव पीस देखा है, क्योंकि वॉलेंस लेवल बहुत कम हो गए वहां पर, रिलेटिव पीस देखा है, जबकि पीस डिविडेंड जो आना चाहिए था वो नहीं आया है, क्योंकि कोरोना हो गया 2020 में 2021 में, लेकिन उसको देखने के जो उन्होंने देखा है उससे जो वॉलेंस लेवल कम है वो नहीं चाहेंगे कोई फॉरन टेररिस्ट वहां पर आए। पहले भी जब फॉरन टेररिस्ट वहां आते थे कश्मीर में तो वो कभी उनको वहां के लोगों ने मंजूर नहीं किया, तो मैं नहीं समझता इतना आसान होगा तालिबान के लिए, आवाज उठाते रहेंगे, हमें चुपना रहना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी कि ज्यादा तालिबान को यहाँ भेजे, और जाहिर है सर वो स्ट्रेटजिक मसले अभी डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते, लेकिन आपका ये इशारा विनोद सर आपने ये इशारा कर दिया, इंसर्जेंसी को लेकर हमारी जो ग्रिड है या टेररिज्म को लेकर हमने जो ग्रिड बनाई हुई है वो बहुत इफेक्टिव है, और आपने ये भी इशारा कर दिया कि हमको अपने आप को स्ट्रेटजिकली और ऊपर ले जाना होगा, और वो ऊपर क्या होगा वो आप लोग जानते हैं और उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, वो भी मैं समझता हूं, लेकिन अब आरएसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा। आरएसएन सिंह साहब,
हमारी खुफिया एजेंसियां लगातार भांप रही हैं, सूंघ रही हैं, देख रही हैं, खबरें इंटेलिजेंस इनपुट्स हम तक लगातार पहुंच रहे हैं। जी अभी जो जनरल साहब ने कहा ये ऑपरेशनल जो हमारी ज़रूरतें हैं इम्पेरेटिव्स है उसके बारे में बात की, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं महत्व जो अभी जो सामरिक जो दृश्य जो स्ट्रेटजिक पिक्चर जो इमर्ज कर रही है वो ये है कि उन्होंने ये कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया, डब्बा खोल दिया, जिहादी कीड़ों का डब्बा खोल दिया और चारों तरफ ये कीड़े अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, हिंदुस्तान में भी मिल रहे हैं। तो मैं ये बात को, यहाँ कोई पाकिस्तानी चैनल पे नहीं है, मैं बात को मैं छुपा नहीं सकता, इस पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि यहाँ भी कीड़े आप देख रहे हैं, आपके टेलीविज़न चैनल्स पर भी कई लोग आते हैं और भी चैनल्स पे हम जाते हैं, तो ये एक फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि पूरी तालिबान की जो वैचारिक बुनियाद है, जो आइडियोलॉजिकल है, वो फाउंटेन इंडिया में है। ये कहने में शर्म क्यों आती है लोगों को, ये देवबंद में है। सिलेबस तो वही है ना जो यहाँ पे है, सिलेबस यहाँ के मदरसों में यही वही सिलेबस वहाँ पे है। और ये ना कोई भूले कि तालिबान इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल जिहाद, वही ग्लोबल जिहाद की जो इंडस्ट्री तैयार की गई थी उसी का वो प्रोडक्ट है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये ग्लोबल जिहाद से ये शिफ्ट कर जाएंगे और जिनके साथ इन्होंने कंधा से कंधा मिला के लड़ा है उनको ये अलग थलग जेटिसन कर देंगे, वो नहीं होने वाला है। अब आपने कहा यूगुर मुस्लिम्स का, चाइना का ये अपवाद, अब मुझे तो नहीं समझ में आता कि चीन इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि एक तरफ यूगुर मुस्लिम्स का डी रेडिकलाइजेशन कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स को और बूस्ट करेगा। पता नहीं ये कैसे उसको बैलेंस करेंगे, मैं उसको नहीं, आपके आपके आपकी बातों में इसका जवाब है आरएसएन सिंह सर। आपने जो कहा वो अपवाद, क्या वो अपवाद जो है वो पैसों की वजह से अपवाद होता है, ताकत की वजह से अपवाद होता है, जिस वजह से वो अपवाद हुआ उसी वजह से ये अपवाद हो जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, 1400 साल से यही रूप रहा है जिहाद का, उम्मा का, सभी का। आप इतिहास जो लोग हैं वो पढ़ ले। और मैंने तो हमेशा कहता हूँ कि आपने आप कह रहे हैं कि एक इंटेलिजेंस के बैकग्राउंड के होने के नाते इतना मैं आपको जरूर कह देता हूँ कि आपके पास कुछ थोड़े डॉलर्स हों, थोड़े AK-47s हों, थोड़े बच्चे हों, आप अफगानिस्तान में बहुत सारे तालिबान खड़ा कर सकते हैं। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है आरएसएन सिंह साहब, जब ये कह रहे हैं। सर मैं आपके पास लौटता हूं, आपने बहुत अहम बात कही है और आपने ये सच्चाई भी दुनिया के सामने बेनकाब कर दी है। असल में दोनों बातों को अगर आप जोड़कर देखें, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने जो कहा कि यहां पर बाहर वालों को मंजूर नहीं किया जाएगा, यहां का ख्वाब देखना सो छोड़ दें, और दूसरे ये जो कहा जा रहा है कि अभी तो वहां लड़ाई वहीं की बाकी है, यहां के बारे में क्या सोचोगे, लेकिन फिर भी मानसिकता क्या है उस पर तो निगाह रखनी पड़ेगी। हमारे साथ स्वर्ण सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊं, पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूं, उससे पहले अहम खबर देख लीजिए। अफगानिस्तान सरकार में पाकिस्तान सेना की घुसपैठ, सरकार में हक्कानी नेटवर्क बहुत बड़ी ताकत, हक्कानी नेटवर्क के जरिए काबुल में सत्ता चलाएगी पाकिस्तान की सेना, सोर्सेस बता रहे हैं। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने हक्कानी नेटवर्क पर लगाया है प्रतिबंध। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने हक्कानी नेटवर्क को जन्म दिया। यहां दायरे में आपको अनस हक्कानी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जरा इस बात को समझ लें हम, जहां ये भाटिया साहब कह रहे थे कि भरोसे के लायक ना तो ये खुद हैं ना ये आपस में भरोसा, लेकिन ये आपस में भरोसा इनका चल कैसे रहा है स्वर्ण साहब? चीन का पाकिस्तान का, पाकिस्तान पर पाकिस्तान का चीन पे, तालिबान पर इन दोनों का, ये कैसे भरोसा कर रहे हैं एक दूसरे पर? देखिए चीन की जहां तक बात है तो वो धर्म के आधार पर, वो धर्म को मानता नहीं है, कम्युनिस्ट देश है, धर्म के आधार पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता किसी भी अपनी नीति पर। तो अपने उइगर्स के साथ जिस तरह से वो बर्ताव कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसका कोई भी सीधा लेन देन है कि वो तालिबान से कैसे जुड़ेगा।
चार चीजों की वजह से वो तालिबान से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा। पहले तो ये उनसे वायदा लेगा कि वो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े, जो पहले जब तालिबान ताकत में आया था तो 90 के दशक में आप देखें काफ़ी हिंसा हुई थी सिनचियांग में चीन के। दूसरा, चीन खुश है कि अमेरिका उनके पड़ोस से निकल गया है और विदेशी ताकतें यूरोपीय ताकतें भी निकल गई हैं और ये एक रास्ता खुल गया कि चीन वहां जाकर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। तीसरा, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, उसमें धीरे धीरे रशिया ईरान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सब जुड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर बीच में ये अफगानिस्तान जो था वो एक तरह से रोड़ा अटका हुआ था कि वो सीधा उसको बढ़ने नहीं दे रहा था। तो अब तालिबान से हाथ मिलाकर उनको परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से बहुत से तरह से इंसेंटिवाइज करेगा उनको। तालिबान कह चुका है कि चीन महान दोस्त है और हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ना चाहेंगे, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है उसको इस्तेमाल करके बढ़ाकर चीन पूरा प्रभाव बढ़ाएगा। अगेन जो आप इशारा कर रहे हैं, चीन का सबसे अच्छा दोस्त है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि भारत दोनों तरफ से उसको घेर ले, उसको हमेशा से परेशानी थी कि भारत का जो प्रभाव है वो अफगानिस्तान में है, तो चीन उसको भी साथ लेगा और भारत को भी चाहेगा कि भारत का वहां प्रभाव ना बढ़े। तो मुझे लगता है कि जो तालिबान और हकानी नेटवर्क और पाकिस्तान और चीन का यदि ये एक तरह से समीकरण बनता है तो भारत को उससे चिंता होनी चाहिए। और जैसे आपने अभी कहा कि सुहेल शाहीन का जो ये अभी व्याख्यान आया है कश्मीर को लेकर, ये बहुत नई चीज है, ये पहले नहीं हुआ तालिबान। सर, तो यही बात मैं समझना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा, आपने तमाम वजहें गिनाई, लेकिन क्या ये जो ये लोग सोचते हैं कि ये होता है कैसे, असल में सबके पीछे जहां उत्तर ना मिले होते हैं पैसे, ये भी समझना चाहूंगा, क्या पैसे ही हैं वो जो कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को। लेकिन सुरेंद्र कुमार साहब के पास अभी जाता हूं। सुरेंद्र सर, अगर बातचीत का चैनल खुला है तो हिंदुस्तान ने तो कैटेगोरिकली कह ही दिया है कि तुम्हारी धरती से भारत के खिलाफ कोई टेररिस्टिक गतिविधि हम मंजूर नहीं करेंगे, फिर इसमें कंफ्यूजन कहां है, क्यों तालिबान को इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है? देखिए, तालिबान की तरफ से जो वक्तव्य आ रहे हैं या इमरान खान साहब या रशीद खान जो कह रहे हैं उससे मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हो रहा। पहले जो हुकूमत थी तालिबान की तब भी कश्मीर में जो है अटैक्स पड़ने के ये इजाफा हुआ था, अभी हम उम्मीद करें होगा। पर दूसरी तरफ तालिबान की जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनको देखें, एक तरह की उनकी इंटरनल एवोल्यूशन चल रहा है। एक तरफ तो वो चाहते हैं इंटरनेशनल एक्सपी बढ़े, उनको जो है 2020 की तरह नया तालिबान की जो इमेज बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उनके अंदरूनी कट्टर लोग हैं, वो तालिबान जो इमेरेट है उनकी इस्लामिक इमेरेट है, उसके शरिया लॉ है उसी तरह से। तो मैं समझता हूँ अभी आगे आने वाले सप्ताह में और खुल के आएगा कि तालिबान का आचार। अभी तालिबान के लीडर ने जो दोहा में हमारे एम्बेसियों से बात की थी उन्होंने साफ साफ बताया गया था, वहां तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था। और हम समझते हैं कि ये शेर बम्बर साहब या जो फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं जो हमारे INA में ट्रेनिंग ले चुके हैं तो कुछ तो उनको इस तरह का मतलब तमीज होगी, कुछ तरह का उनको इजाफा होगा कि देखिए इस तरह की बातें करने से तो रेस बनेंगे नहीं, आप रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसकी बेसिस ये तो नहीं हो सकती। खबर ये आ रही है कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उस तरफ जो लॉन्च पैड डेजर्टेड थे वहां फिर से एक बार आतंकवादी आने लगे हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें एक बार फिर से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और ये सीज फायर के बाद दोनों वायलेशंस जो हो रहे थे उसको रोकने के लिए बात हुई कि एक बार फिर से रोका जाए इसको, उसके बाद ये सब रुक गया था, लेकिन तालिबान के काबिज होते ही ये सब फिर एक्टिवेट हो गया है। मतलब जो कहा जा रहा है उसका कहने तक ही बातें महत्व है, उसके आगे नहीं। मैं आपके पास आता हूं सर, पाकिस्तान की सरकार का बहुत बड़ा कबूलनामा, तालिबान की सत्ता को पाकिस्तान ने खुद के लिए मौका बताया, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का एक फोरम पर बयान, पाकिस्तान को वो मिला जिसका लंबे समय से इंतजार था। पूरी दुनिया कह रही है अफगानिस्तान में ये क्या हो गया, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि इस मौके का लंबे समय से इंतजार था। मौका मुसीबत ज्यादा है वहां के लोग और उसमें पाकिस्तान मौका देख रहा है, मुसीबत में मौका देख रहा है पाकिस्तान। लेकिन एक तालिबान कश्मीर पर बदलते बयान, ये जो मैंने आपको दिखाया इसमें देखा आपने सोहेल शाहीन क्या कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो कही गई कि अभी लड़ाई वहां की बाकी, आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं अभी रुकिए तो देखते तो जाइए, वो क्यों कहा जा रहा है वो जरा देखिए। एक तालिबान कश्मीर पर बदलते बयान, सोहेल शाहीन ने क्या कहा, सोहेल शाहीन ने जो कहा
वो आपके सामने है। कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक, लेकिन हिजबे हिकमतियार वो क्या कहता है? अफगानिस्तान के लोग नहीं चाहते कश्मीर जैसा मुद्दा यहां आए। गुलबुद्दीन हिकमतियार ये बात कह रहे हैं, जबकि गुलबुद्दीन हिकमतियार के आईएसआई से संबंध पूरी दुनिया के सामने है। ये छिपे ढके नहीं है, मुस्लिम हमारे अपने लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, कानूनन बराबरी का हक है उनको, सोहेल शाहीन कह रहे हैं। और उधर किसी भी देश के खिलाफ जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देने के वादे पर टिकना चाहिए, गुलबुद्दीन हिकमतियार बात कह रहे हैं। कश्मीर विवाद, भारत चीन सीमा, ये इस तरीके के जो विवाद है जिनका अफगानिस्तान से सीधा कोई वास्ता नहीं है। गुलबुद्दीन हिकमतियार की पारखी आंखें ये मान रही हैं कि अभी अभी तो आए हो, अभी कुछ कह रहे हो, कुछ दिन तो टिक जाओ उस पर। दुनिया को तो यह मालूम है कि लंबा नहीं चलना, लेकिन कुछ दिन तो टिक जाओ, थोड़ा भरोसा तो बनाओ। कश्मीर विवाद, भारत चीन सीमा विवाद और तिब्बत जैसे मुद्दे अफगानिस्तान ना पहुंचे, लेकिन वो जो आदत होती है, हैबिट्स डाई हार्ड, और इसीलिए कहा जाता है कि तालिबान की भी जो आदत है उससे वो कितने दिनों तक खुद को रोके रखेगा। बदला हुआ तालिबान, यही है बदला हुआ तालिबान, जो हर जगह ये देखता है कि उसको बदला लेना है। अब जरा इस बात को समझने के लिए अमजद अयूब मिर्जा साहब के पास जाता हूँ। अमजद अयूब मिर्जा साहब, क्या चल रहा है वहां और कि किस तरीके से ये जो टेरर मशीनरी है एक्टिवेट हो रही है? देखिए, ये चाइना की आशीर्वाद इनको पहले दिन से थी, जब से ये मुजाहिदीन थे यानी रूस के खिलाफ, उस वक्त से चाइना ने इनको पैसा भी दिया, असला भी दिया और इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दी। और आज ये जो तालिबान ने अपना बयान बदला है और उन्होंने देख लिया कि इंडिया वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहा है और तालिबान को फौरी तौर पर उनकी गवर्नमेंट को नहीं मान रहा, जो उनकी चाल थी कि इस तरह की बातें करके कि हम कश्मीर के मसले को नहीं उठाएंगे और हम अपनी धरती को किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने बेसिकली भारत को अट्रैक्ट करने की कोशिश की और भारत को फंसाने की कोशिश की कि भारत के, हाँ जी तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं, हम इनके साथ रिलेशन करेंगे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, वेट एंड वॉच किया। तो फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई, उन्होंने कहा कि अब हम चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा, कॉपर माइंस भी खोदेगा और ये वन बेल्ट वन रोड होगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, कमाल का ऑब्जर्वेशन, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए कि अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है। अफगानिस्तान अखंड भारत से अलहदा कोई टुकड़ा नहीं है, भारत का वो हिस्सा जिसके ऊपर इन गजनवियों ने और इन नादरशाहियों ने कब्जा किया हुआ है। और ये जो है ना मुल्ला ब्रादर और ये सुहेल शाहीन, ये पहले भी कबाइलियों ने, लश्करों ने हम पे हमला किया, लेकिन उस वक्त हम तैयार नहीं थे। अब ये चूहे जो है ना, ये गारों में रहने वाले, ये बिलों में रहने वाले मुल्ला ब्रादर एक चूहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा। मैं दुनिया के लिए, दर्शकों के लिए इसको दोहरा देता हूँ, अमजद अयूब मिर्जा तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि वहां जो कश्मीर को लेकर पहले बात कही गई थी वो एक्चुअली भारत को दाना डालने की कोशिश थी, कि भारत इस लालच में आ जाए कि देखिए ये कश्मीर को इंटेग्रल पार्ट बता रहे हैं, ये कम से कम कश्मीर में कोई गड़बड़ी नहीं फैलाएंगे और भारत रिकॉग्निशन देने के मामले में इनिशिएटिव ले ले। लेकिन भारत इस लोभ में, इस फसावट में नहीं आया, इस दाने को चुगा नहीं उसने। और दूसरी बात, अहम बात, वो क्या कह रहे हैं, अखंड भारत का हिस्सा अफगानिस्तान है। हमारे यहां गांधारी अंधार की थी और वहां से आने वाले गोरी और गजनवियों ने यहां पर आकर आक्रमण कर दिया, वो बात पहले की थी, अब नहीं होने वाला। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये कह रहे हैं कि खुद ही अमेरिका जाना चाह रहा था, तालिबान ने क्या कब्जा कर लिया, इसलिए उसको मौका मिल गया। तालिबान में इतने कोई सुरखाब के पर अचानक नहीं लग गए हैं, उसको जब चाहे तब फिर से उसकी स्थिति दिखाई जा सकती है। इस बात को लेकर मैं जरा विनोद भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद भाटिया साहब, इसमें कहां पर हम बहुत ज्यादा उत्साह के तौर पर देख रहे हैं अपने आप को और कहां रियलिज्म है?
देखिए रियलिज्म है बिल्कुल इसमें कि रियलिज्म ये है कि जो तालिबान है और जो पाकिस्तान है खास तौर से पाकिस्तान तालिबान के शेर पे चढ़ तो गया लेकिन उतरेगा कैसे ये देखना पड़ेगा तो पाकिस्तान को भी इसमें वो भी सिक्योरिटी सिचुएशन की बहुत बिगड़ेगी यानी कि सिर्फ अफगानिस्तान तक रहेगी आप देखिए डोरन लाइन के पार भी आएंगे और ये आइडियोलॉजी ग्रुपिंग है जिहाद की जो ग्रुपिंग है जैसे ये ग्लोबल जिहाद है ये सब पे असर पड़ेगा पाकिस्तान पे ईरान पे रशिया पे चाइना पे और हमें जो है हमें अपना तैयारी करनी पड़ेगी और हमें भी स्ट्रेटजी जो है वो बदली करनी पड़ेगी क्योंकि आना तो उन्होंने है ही है सर, लेकिन उनको कैसे इंपॉर्टेंट है और आप जैसे एक्सपर्ट से उसका जवाब दे सकते हैं सर विनोद सर ये कि अचानक देखिए ये वॉर अगेंस्ट टेरर इसका एक जो चेहरा था वो अमेरिका था ऐसा लग रहा था कि वो नुमाइंदगी कर रहा है सामने आके खुद पहलकदमी करके उसको लीड कर रहा है अचानक से अमेरिका ने जो खुद को पीछे खींचा ये कहते हुए कि सब अपना अपना देखो सबके लिए खतरा है आतंकवाद सब लोग लड़ाई लड़ो इसके मायने क्या है और अब ये आतंक के खिलाफ लड़ाई पर इसका असर क्या पड़ेगा आरएसएन सिंह साहब ये आप समझा सकते हैं बेहतर नहीं देखिए एक तो जब पिछली बार ये ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम चला तो ये किस इंटरनेशनल मुद्दा बना के ये हुआ लेकिन मुद्दा हमारे लिए इंटरनेशनल बाकियों के लिए इंटरनेशनल होगा हो सकता है किसी के लिए रीजनल हो हमारे यहाँ हमारे लिए नेशनल प्रॉब्लम ये एक राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि जो पूरा जिहादी इकोसिस्टम है हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो उसका स्वरूप आपको मालूम है वो उसका हिस्सा एक हमारा प्रॉक्सी वॉर भी है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनका अभी वो बहुत उत्साहित है उसमें एक उफान जरूर आया है लोगों के मिजाज में एक ऐसा हम झलक मिलती है देखने को कि अब जैसे अब तो गजवाए हिंद बिल्कुल अब दिल्ली तक पहुँचने वाला है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी आप अगर देखें आप लोग जो इतने कहते हैं कि बड़े ये लड़ाकू हैं मैं एवरी डे मैं इनको फॉलो करता था इनके ऑपरेशंस को यहाँ तक तालिबान सिर्फ सुइसाइड बॉम्बर के रास्ते पहुँचा जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा गाड़ी से भरा हुआ बारूदों से भरा हुआ कोई बड़े एम्बेसी में करना है तो ट्रक उससे छोटे एम्बेसी में तो ये गुरुद्वारे में तो ह्यूमन सिंगल लोन सुइसाइड बॉम्बर या दो सुइसाइड बॉम्बर तो ये अब वो सुइसाइड बॉम्बिंग का वो फेज ख़त्म हो गया साहब और जो उनके पास असला है मैं आपको बता रहा हूँ 58,000 वो कह रहे हैं कि इनके फाइटर्स हैं 58,000 के साथ क्या ये कंसोलिडेट कर पाएंगे तो इसलिए हमारे पास हुकूमत में आने के बाद हो सकता है इनके क्योंकि हुकूमत में आने के बाद तादाद बढ़ती है आपके सपोर्टर्स की हो सकता है वो बढ़ जाए और अमेरिकी इक्विपमेंट से उनके पास नहीं वो जो अमेरिकन्स गए हैं वो अभी जो भी खबर आ रही कि उन्होंने सारा इमोबिलाइज कर दिया है उस इक्विपमेंट को उनको ऐसे भी इनको दिमाग नहीं है कोई इक्विपमेंट चलाने का मैं आपको बोल रहा हूँ मैं वो इतने साल से मैं एक ही वो इनका सीन देखता हूँ वो रॉकेट लॉन्चर वाले वही फोटो इनका मेन जो इनका ये था वो सुसाइड बॉम्बर का था और वो एक्सप्लोसिव्स इनको पाकिस्तान से लिबरली से सप्लाई होते और ये बच्चों को यूज करते हैं बाकी लोग आपने सुना है कि कोई ये मुल्ले मरे ड्रोन अटैक से मरे कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं है अखुंड ज्यादा आपकी ये बात जो सर इसका मायना मैं जो समझ पा रहा हूँ अपने दर्शकों को समझाता हूँ यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये सुसाइड अटैक्स के दम पर यहां तक पहुंचे हैं और ये मुमकिन है केवल आप अफगानिस्तान में करते रहें वो करके आप यहां तक पहुंच गए अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था इसलिए आपके लिए आपका काम आसान हो गया लेकिन अगर आप गजवा के बारे में सोचने लगे तो आप दिन में तारे देखने के शौकीन हो गए ये अहम खबर देख लीजिए उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता हूं कश्मीर पर आतंकी संगठन ISIS खुरासान की बड़ी साजिश लश्कर और जैश के संपर्क में है ISIS खुरासान के आतंकी आतंकी संगठनों में कर सकता है कश्मीरी युवाओं की भर्ती सुरक्षा एजेंसियों ने धमाके करने की आशंका भी जाहिर की मतलब इसका यह है कि हमको अगर यह बात है कि खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना परसीव किया जा रहा है तो यह भी तय है कि खतरा नहीं है ऐसा भी नहीं है इसको जरा किस तरीके से देखना चाहिए वो मैं आपको बताऊं उससे पहले अमजद साहब से बात समझ लूं अमजद साहब ये पीओके में लॉन्च पैड्स के हवाले से क्या खबर है आपके पास
देखें जी, हमारे पास दो चॉइस हैं। एक तो ये है कि हम डिनाइल वोट में चले जाएं कि कोई खतरा नहीं है, ये फारिग हो गए हैं, इनका हदफ हासिल हो गया है, ये तो एक हो गया डिनाइल वोट, विच इज वेरी डेंजरस। दूसरा ये है कि हम एग्रेसिव होके, जैसे बजाय डिफेंसिव होने के ऑफेंसिव पॉलिसी अपनाए। इस वक्त जो लॉन्च एक्टिव हो गए हैं उनको टारगेट करना चाहिए। खारिया में ट्रेनिंग हो रही है इस वक्त, पब्बी में 300 से ज्यादा आतंकवादियों की। इस वक्त पाकिस्तान की एसएसजी का जो कमांडर है जनरल आदिल रहमानी, वो पंजशेर में तालिबान की फोर्सेस की क्यादत कर रहा है। 2 बटालियन 1500 फौजी वहां पे पाकिस्तान से लड़ रहा है, इनके टैंक गए हुए हैं। एनीवे, वापस आते हैं कश्मीर पे। देखिए, सबसे पहले तो बफर तोपें जो है ना उनको दोबारा से तेल दिया जाए। दूसरा ये है, मेरा पैगाम है अफगानिस्तान के तालिबान के लिए कि तुम अपना पांव तो बहुत दूर की बात है, अपने पांव की उंगली भी अगर इस दफा यूनियन टेरिटरी कश्मीर पर रखोगे तो तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हें वापस भेजा जाएगा। भारत की तरफ मैली आंख से देखने वाली आंख फोड़ दी जाएगी। ये है हमारा बिलीफ, ये हमारा ईमान और ये हमारा जज्बा है सर। लेकिन एक अहम खबर आपको बता दें, ये बहुत अहम खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तालिबान और चीन के रिश्ते पर बड़ी खबर की तरफ जाऊं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि करीब 8000 आतंकवादी वहां पहुंच गए हैं, लॉन्च पैड्स के करीब पहुंच गए हैं और वो इन्फिल्टर करने के इरादे से पहुंचे हुए। अब सवाल ये है कि ये एक सच्चाई है, अब इसको सुरेंद्र कुमार साहब, ये जो जमीन पर चल रहा है, क्या डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो खुद ब खुद यहां पर प्लग कर सके इन होल्स को? देखिए, पहले तो यदि वहाँ 8000 लोग पहुंच चुके हैं और अटैक करने को तैयार हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार को इसकी सूचना है, हमारी सरकार इसके बारे में तैयार है। और कुछ दिन पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि जरूरत पड़ेगी, जो एक्शन जरूरी होगा वो एक्शन लेंगे। हमें ये नहीं, सरकार की बातें सब हमें पता नहीं, पब्लिक में नहीं आती हैं, तो पब्लिक में नहीं आने इसका मतलब नहीं हम तैयार नहीं है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि इस तरह का खतरा है तो सरकार जरूर इस तरह का कोई एक्शन लेगी, पहले भी ले चुके हैं, अब भी लेंगे। पर मैं ये बात करता हूँ कि इनके पाकिस्तान के जो सवाल आ रहे हैं, मैं पहले भी कह रहा था, पाकिस्तान को ये जरूरत क्यों पड़ रही है बार बार बताने की कि तालिबान को हमने बनाया, तालिबान को हमने सिखाया, तालिबान ट्रेनिंग की? क्या उनको इस बात का जो है कॉन्फिडेंस नहीं है कि तालिबान उनके अंडर कब्जे में नहीं रहेगा? पहले तो डिनाई करते थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तालिबान के लिए भी है, जब अफगानिस्तान की फोर्सेस के साथ लड़ाई चल रही थी तालिबान की, तब तो डिनाई कर रहे थे, अब कूद कूद कर बता रहे हैं कि हम ही ने पाला, हम ही ने पोसा। ये बात बहुत अहम कह रहे हैं आप कि बाहर जाने का डर है क्या? स्वर्ण सिंह साहब बताएंगे इसको। लेकिन तालिबान और चीन के रिश्ते पर एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मुल्क चलाने के लिए चीन से पैसे लेगा तालिबान, मनी स्वीटर देन हनी। तालिबान ने कहा चीन अफगान में नए सिरे से निवेश करेगा। तालिबान ने चीन को बताया अपना अहम सहयोगी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, और उसी चीन पर तालिबान का एतबार है, ड्रैगन का नया गुलाम तालिबान। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जरा आइए इस इंफॉर्मेशन के हवाले से देखिए, जिस देश की मदद की उसको अपने जाल में फंसाया, श्रीलंका इसका उदाहरण है, ना जाने कितने मुल्क इसके उदाहरण है। अफ्रीका में तो कई जगहों पर कहा जाता है पूरे के पूरे मुल्क मदद के नाम पर खरीद लिए गए हैं, कर्जदार बना लिए गए हैं, और उस जाल में फंसने के लिए तालिबान आतुर है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए जरा इधर, मुल्क चलाने के लिए फंड्स की जरूरत है। यह अचानक पता चला है तालिबान को, शायद उसको मालूम नहीं था कि उसके हाथ में हुकूमत आ जाएगी। चीन पैसा देकर नया अफगानिस्तान बनाएगा, चीन अफगानिस्तान बनाएगा तो आपके लिए बनाएगा, चीन हमारा सबसे भरोसेमंद सहयोगी, पाकिस्तान का क्या होगा? वो बेचारा दिन भर कह रहा है कि हमने बनाया, हमने पाला, हमने पोसा। अब अगर सबसे भरोसेमंद सहयोगी आपका चीन हो जाएगा तो पाकिस्तान आपके लिए टैंक क्यों भेजेगा नॉर्दर्न अलायंस से लड़ाई करने के लिए? तांबे की खदानों को मॉडर्न बनाएगा चीन, बनाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया था किसी जमाने में, उसी तरीके से यह भी मॉडर्न बनाएगा। क्या ये सच्चाई जो राइटिंग ऑन द वॉल है, इस तरह की राइटिंग ऑन द वॉल वो पढ़ने में तालिबान के लोग, क्या ये उस भाषा में नहीं लिखा हुआ जिसमें उनको समझ में आता है? जरा ये समझ लें स्वर्ण सिंह साहब, जाल में फंसने के लिए मछली बेकरार है। चीन देखिए दो तरह से अपने प्रभाव को बढ़ाता है विदेश में जाकर।
एक तो वहाँ के प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, आपने कॉपर माइन की जिक्र किया यहाँ पे, तो उसको वो हथियाना चाहेगा और उसके लिए तालिबान को वो बड़े बड़े इमारतें या पुल या सड़कें या रेल लाइंस वगैरह बनाकर देने की बात करेगा, वो भी इसलिए कि उसका अपना व्यापार बढ़ सके। तो ये तालिबान को भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो चाहेंगे कि उनकी सत्ता में आने के बाद कुछ दिखाने को हो उनको, लोगों को, कि हमने ये ज़मीन पर किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों को आपस में लगता है कि तालमेल बनाने में फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ कुछ दूसरे, आज ही देखिए यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम देते रहेंगे, हालांकि वो मान्यता देने जैसा नहीं होगा। अमेरिका कह रहा है कि एक नया अध्याय शुरू करेंगे हम तालिबान के साथ, तो कई दूसरे देश। और आखिरी बात कि पाकिस्तान क्यों कह रहा है इस तरह से कि हमने उनको तैयार किया, क्योंकि आज देखें, आज ही एक हवाई जहाज जो सारी जो नेतृत्व है तालिबान का उसको दोहा से लेकर काबुल पहुंचा है, और ऐसा माना जाने लगा है कि शायद जो नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ है वो दोहा में हुआ है, इस्लामाबाद में नहीं हुआ। तो पिछली बार जब तालिबान ताकत में आया था, सत्ता में आया था 1996 में, तो जग जाहिर था कि वो सारी सरकार, सत्ता जो थी वो पाकिस्तान के यहाँ बनी थी। तो पाकिस्तान, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका प्रभाव जो है तालिबान पर कम हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन दिलचस्पी दिखा रहा है, चीन दिलचस्पी दिखा रहा है, दोहा सरकार बना रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी है कि आगे बढ़े। और आखिरी बात छोटी सी मैं ये जोड़ूंगा कि तालिबान यदि अस्थाई उसका अस्थिरता बनी रहती है तो दो चीजें होंगी। पहला तो ये कि जो उनका जो शिखर का केंद्रीय नेतृत्व है उसकी बात जमीन पर उनका काडर नहीं सुनेगा, ठीक है, वो अपनी मनमर्जी करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अस्थिरता बनी रहेगी तो उस माहौल में, चाहे वो जैश मोहम्मद हो या वो दूसरे घटक हो, इस्लामिक स्टेट हो, अलकायदा हो, उन सबको वहां फिर से सेंचुरी बनाने में और वहां से कुछ आतंक फैलाने में मुझे लगता है कि आसानी होगी। बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि किस तरीके से तालिबान की हुकूमत आने वाले दिनों में किसके लिए खाद पानी का काम करने वाली है। लेकिन ये बात भी सच है कि तालिबान जिस स्वरूप को लेकर सामने आ रहा है उससे उसी के लोगों का मोह भंग हो रहा है और वो जा रहे हैं या तो इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जाकर शामिल हो रहे हैं या फिर ISISK का रुख कर रहे हैं। और ये अहम खबर देख लीजिए, चीन पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर आया तालिबान। चीन पाकिस्तान के योगदान को तालिबान ने सराहा, पाकिस्तान की मदद की उम्मीद आगे भी करेंगे, जबीउल्लाह ने कहा। तालिबान की ख्वाहिश, अफगान तक सीपेक बढ़ाया जाए। अफगान तक सीपेक बढ़ाया जाए। सीपेक ड्रैगन का वो खूनी पंजा है जिसको खुद अपनी तरफ आते हुए देखना चाहता है तालिबान। ये है मुस्तकबिल अफगानिस्तान। भाटिया साहब, वेलकम टू चाइना, वेलकम टू पाकिस्तान। क्या है मुस्तकबिल अफगानिस्तान? देखिए, अगर चाइना के स्टेक्स बढ़ते हैं अफगानिस्तान में, कहा जा रहा है कि बगराम एयरबेस भी अभी चाइना संभालेगा, तो मैं समझता हूं कि चाइना के जितने इंटरेस्ट बढ़ेंगे चाइना उतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा अफगानिस्तान में। जिस तालिबान को हम बात कर रहे हैं वो तालिबान 2.0 या तालिबान, वो कोई तालिबान नहीं है। तालिबान कोई स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तालिबान एक जो हिस्सा है लीडरशिप का, जो एक बताना चाहते हैं कि हम वो तालिबान नहीं है जो पहले थे, और दूसरा वो तालिबानी है जो तालिबान है, जिनको एक ही चीज पता है उनको कि AK-47 मेरे पास है और मैं उसको फायर करके उसको किसी को भी मार सकता हूँ, किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। तो आतंकवाद जो होता है वो कि रुकता नहीं है। तो अगर चाइना के स्टेक्स बढ़ते हैं और चाइना के फुटप्रिंट्स बढ़ते हैं अफगानिस्तान में, तो उसको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सवाल मैं आरएसएन सिंह साहब से जानना चाहता हूं। आरएसएन सिंह साहब की वहां $3 trillion का खनिज है, लिथियम वहां बहुत ज्यादा है, ये दूसरे कह रहे हैं, लेकिन वहां के जबीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं तांबे की खदान मॉडर्नाइज करेंगे। जैसे अमेरिकी वहां डिफंक्ट कर गए हैं अपने इक्विपमेंट्स को, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्हीं का आकलन है कि इतना खनिज है, बाद में जाएं खोदने कुछ ना निकले चीन वाले? नहीं, मेरी तो खबर यह है कि जो ये मेरी तो खबर है जो ये कॉपर माइंस है, क्या आयंग कॉपर माइंस, वहां पर तो चाइनीज को अभी तक लॉस हो रहा है। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी हो सकता है एक ट्रैप हो। सुरेंद्र साहब, अब मैं एक सर 30 सेकंड बचे हैं, सुरेंद्र सर से एक बात समझना चाहता हूं। सुरेंद्र सर, मेरे ख्याल से दुनिया में हर एक मुल्क समझ रहा है कि क्या किया जाना चाहिए और अंदर खाने हो रहा है, बेशक सतह में नहीं आ रहा है।
देखिए हर देश अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। अब कल जो है अमेरिका के जॉइंट चीफ स्टाफ के चेयरमैन ने क्या कहा, तालिबान इज रूथलेस ग्रुप। अब उन्होंने ये भी कहा कि वॉर में वी हैव टू फाइट होम वी हैव टू मस्ट, तो उनका काम निकालना है तो उनका काम करना पड़ेगा। अब चीन के बारे में सभी लोग कह रहे हैं, पर देखिए चीन की चाहे ह्यूमन राइट की क्रिटिसिज्म हो चाहे उनकी डेमोक्रेसी क्रिटिसिज्म हो, अभी देखिए यूरोपियन यूनियन का तो 2020 में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, यूएसए नहीं है, ट्रेडिंग पार्टनर ईयू का चाइना है। अभी जो है 706 बिलियन का ट्रेड किया पिछले साल में, क्रिटिसाइज करता रही चाइना को। दूसरी बात चाइना का जो अफगानिस्तान में आना है ये एक दुधारू तलवार है, एक तरफ दुधारू तलवार, ये डबल एज सॉल्ट। अभी इसका अगर जिसने अच्छा अच्छा देखा है अभी बहुत जल्द वो समझ लेंगे हकीकत क्या है। और असल में नमक सबको नमकीन और शक्कर सबको मीठी लगती है, लेकिन कई बार पैसे मिल जाने पर लालच आ जाने पर स्वाद बदल कर बताया जाता है। अहम खबर देखिए और अड़ी मिर्ची के साथ विराम लूंगा। आज मैं काबुल की मस्जिद में मौलवी का ऐलान, जुमे पर जुटी भीड़ से मौलवी ने कहा अब शरिया कानून के मुताबिक दी जाएगी सजा, चोरी करते पकड़े गए तो हाथ काटे जाएंगे, मौलवी ने कहा। यह है बदलता तालिबान। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।